हमने एक योजना तो बनाई, 70% से ज्यादा अंक जो विद्यार्थी लेके आए उनके लिए मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, वो 70+ के लिए। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि 70 से भी कम नंबर आए और गरीब है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, तो क्या ऐसे बच्चों की कोई मदद नहीं करनी चाहिए? अब मैं उधर बन में था, मैं लगातार सोचता कि इन बच्चों के लिए भी कोई ना कोई योजना होनी चाहिए, और इसलिए हमने एक मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना बनाई, इसी साल से लागू कर रहा हूं, जुलाई से लागू होगी। उसमें है कई चीजें, उसमें हर एक के पास रहने की जमीन का टुकड़ा चाहिए, मकान चाहिए, इलाज की व्यवस्था चाहिए, वो अलग अलग विषय, लेकिन एक विषय उसमें शिक्षा से संबंधित, गरीब परिवार और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। जो निम्न मध्यम वर्गीय है, गरीब है, वो कहां जाए? और उससे हमने फैसला किया, और इसमें कौन कौन आएंगे? एक, जो मजदूरी करने वाले, परिश्रम करने वाले जितने परिवार हैं, किसी जाति समाज के, उससे कोई जोड़ा नहीं है, सबके लिए, कोई धर्म, कोई जाति, कोई समाज, सबके लिए। नंबर दो, जिनके पास थोड़ी सी 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान। नंबर तीन, वो जो इनकम टैक्स पे नहीं करते, छोटे मोटे काम धंधे में लगे हैं, वो आएंगे। और इन बच्चों की भी, इन परिवारों के जो बच्चे हैं उनकी भी उच्च शिक्षा की फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा। ये सवाल कई जगह आएगा, मामा हम क्या करें? तो तुम्हारे लिए एक नई राह खोलने की मैंने कोशिश की है।